तो यहाँ पे बात करता है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स की बात करता है। तो मींस यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें जैसे कभी जैसे अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट दे रखे होते हैं, और कभी तुम्हें ऐसे पूछ लेता है इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो तुम ध्यान रख सकते हो। तो जो अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5 है, उसको तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 है, उसको तुम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्म में कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 एंड 4 डिग्री की आ रही है, तो यहाँ पर इसकी भी लिख लेते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को तुम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया, जो अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसको भी तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। और एक और देख लेते हैं, जो अल्फा माइनस बीटा, उसको तुम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। इस तरीके से भी यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं। तो फिर इस तरीके से अपन यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट देखा। यहाँ पे बेसिकली तुम मोड लगा सकते हो इसमें, तो यहाँ पे सिंपली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो, मैं ये बता रहा था। तो इसको तुम ध्यान रख सकते हो इन चीजों को, मतलब ये हायर पावर को तुम ध्यान रख सकते हो, और बाकी इन चीजों का ध्यान रखो तो तुम्हें प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।